और अब देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को गोहाना के पानीपत रोहतक बाईपास पर होने वाली जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा ने रैली स्थल के परिवर्तन की पुष्टि करते हुए बताया है कि राय का रैली स्थल छोटा था, इसीलिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को गोहाना में करने का अब निर्णय लिया है। देखिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री गोहाना में आ रहे हैं और ये जो चुनाव है प्रधानमंत्री जी के आने से सोनीपत पानीपत रोहतक झज्जर सभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो सभी कार्यकर्ताओं में सभी नेताओं में जोश है क्योंकि ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है, जो भारत की साख विदेशों में भी बढ़ाई है, तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो गोहाना की पावन पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। तो गोहाना के लिए सौभाग्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो प्रचार करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये तो गोहाना वालों के सौभाग्य की बात है। पिछली बार भी आए थे और इतनी बड़ी जबरदस्त रैली हुई थी, शायद इतिहास में कहीं रैली नहीं हुई थी और उससे बड़ी रैली अब होने जा रही है। लोगों में जोश और जुनून है भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और नायब सैनी जी की मेहनत से दोबारा से फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के उसमें सरकार आ रही है। तो आप देखना कि यहाँ 90 के 90 विधानसभा पे सभी कमल के फूल खिलने जा रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत अच्छा जोश है क्योंकि देश के प्रति समर्पण की भावना से जो काम मोदी जी कर रहे हैं उनकी कोई बराबरी नहीं है।